हाँ तो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ मज़े में जी रहे होंगे। तो भाई, बड़े दिनों बाद व्लॉग आ रहा है और आज कहीं बर्थडे भी नहीं है किसी की, ना किसी की बर्थडे की ट्रीट है और ना किसी शादी में जाना है, ना कोई इवेंट है। बस ऐसे ही हमने बोला बस बना लो व्लॉग, बड़े दिन हो गए क्योंकि चैनल की रीच भी गिर रही थी, कहीं जाना हो नहीं रहा, व्लॉग में कर नहीं रहा। तो मैंने बोला भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस चैनल को चलाने के लिए, तो मैंने बोला ऐसे ही छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं और कुछ स्कीम भी निकाली है इसके लिए मैंने, वो अभी मैं आके बताता हूँ क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, ज़रा हजामत हो हजामत करवा लें, बहुत बुरी हालत हो रही है, इसलिए बाल कटवाते हैं फिर आपसे बात करते हैं और स्कीम बताते हैं आपको कि क्या स्कीम है। चलिए जी, तो भैया आ गया आपका भाई ब्रेक से वापस बाल कटवा के, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फारी की बैठे हुए थे क्योंकि पीर का दिन था तो ज़्यादा लोग थे नहीं और बार्बर भी अकेले ही बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कुछ फटाफट से कटवा लो और फटाफट से मैं आ गया नहा के, अभी आपके सामने तैयार। देख सकते हैं आप हालत, पहले की हालत और अभी की हालत, थोड़ा इंसान इंसान का बच्चा लग रहा हूँ। घर आते ही मेरी आप ही ने बोल दिया कि इंसान के बच्चे लग रहे हो भाई, फुल वरना जंगली बने हुए थे। मैं वाला शुक्रिया भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये होता है सीन, जब भी मैं बाल कटवाने जाता हूँ तब सीन होता है और जब आता हूँ तब सीन होता है। जब बाल कटवाने जाता हूँ बार बार बोलता है भाई कब से नहीं कटवाए, क्या जंगली लग रहे हो, इतने महीनों बाद कटवाते हो, क्योंकि मैं कटवाता हूँ 2 महीने बाद, जाना आना कहीं होता नहीं है, घर पर पड़े रहते हैं तो बाल कटवा के क्या फ़ायदा। और हम वो तो है नहीं कि अपने लिए तैयार हों, कुछ लोग होते हैं ना कि अपने लिए तैयार होने का शौक़ होता है उनको, तो हम वो है नहीं, हमें दूसरों को दिखाने का शौक़ नहीं है तो अपने लिए क्या ही बंदा तैयार होगा। तो खैर जब जाता हूँ तो ना ही बोलता है कि भाई कितने दिनों बाद आ रहे हो, क्या हो गया, हालत तो देखो अपनी, इतने बड़े बड़े बाल काटते हुए भी सोचता है वो कि कहाँ से शुरू करें। और घर पे जब आता हूँ तो घर वाले बोलते हैं कि भाई इंसान के बच्चे लग रहे हो, शुक्र है कटवा लिए। जब थोड़े टाइम बाद बाल कटवाया ना बंदा तो लुक भी अलग आता है, तो इसलिए देख सकते हैं आप गोरा गोरा लग रहा हूँ थोड़ा सा। और अम्मी आ गई हमारी ऊपर, उनको भी बहुत शौक है कि जब हमजा ऊपर जाता है तो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ये व्लॉग श्लॉग बना रहा होगा, फ़ौरन पहुंच जाओ छापा मारो इसको, देखो कैसे बनाते हैं। खैर स्कीम जो मैंने बताई थी आपको, स्कीम भाई ऐसी है कि हमारे पास कहीं आना जाना तो हो नहीं रहा, मगरिब का टाइम हो रहा है, आसमान है रे, जल्दी से बना देता हूँ। तो भाई जाना आना कहीं होता नहीं अपन को, चैनल हमारा जा रहा है डाउन, हमने बोला इसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा भाई, आना जाना ऐसा तो है नहीं कि हम हर हफ्ते ही कहीं चले जाएं, वरना हफ्ते में एक व्लॉग मेरा आ जाता था, अब कहीं जाने ही नहीं हो रहा मेरा क्योंकि ये व्लॉग भी बड़ी देर बाद आ रहा है। तो सीन ऐसा है, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, जो मेहनत थोड़ी बहुत हमने की है कब से, क्योंकि 1 महीना हो गया मेरा 330 सब्सक्राइबर चल रहे हैं, बढ़ी नहीं रहे, आगे जो हैं वो कम कर देते हैं, जो आता है तो पिछला जो होता है उनमें से एक ना एक चला जाता है, तो ये दिन हो रहा है। तो हमने सोचा भाई कुछ करना पड़ेगा, तो बैठ के हमने सोच विचार करके ये मामला तय पाया हमारी सोच का कि हम 30 डे चैलेंज ले रहे हैं, 30 दिन तक मैं जो भी करूँगा बस कुछ ना कुछ करूँगा, और जो भी करूँगा ब्लॉग बनाऊँगा उसका टाइम मैनेज करके, एडिटिंग भी रोज़ करनी पड़ेगी, ब्लॉग भी रोज़ शूट करना पड़ेगा, और बस कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा, और पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, देख लो आप लोग तो बहुत ही शुक्रमंद रहेंगे हम आपके, और ना देखो तो कोई मसला भी नहीं है, देख लिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चैलेंज है भाई 30 डे का मेरा, 30 डे तक मैं रेगुलर व्लॉग्स करूँगा, 30 डे तक व्लॉग आएंगे, बोलना भी नहीं आता। और कुछ लोग, हाँ एक ये भी बात थी कि मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तू बहुत लंबी करता है, बहुत ज़्यादा लंबी करता है, जल्दी जल्दी बोला कर, सारी बात एक ही बात में बोल दिया कर, लेकिन मैं जल्दी जल्दी मुझसे बोला ही नहीं जाता, जब भी मैं स्लो स्लो बोलता हूँ, अभी आपने देख लिया होगा कितना मैं रखता हूँ जल्दी जल्दी बोलते हुए, इतनी जल्दी जल्दी बोलते हुए मैं अटकता ज़रूर हूँ, ये है मेरे साथ, तो इसलिए मुझसे जल्दी जल्दी बोला नहीं जाता, सुन लो ये बात तुम लोग। मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई तू बहुत लंबी करता है, कौन सुनेगा तेरी ये बकवास है, इतनी आराम आराम से तू बोलता है और सब कुछ ही घुसा देता है, तो भाई मैं क्या करूँ, इसको कैसे चेंज करूँ, अब तुम लोग बता दो, करते करते ही आएगा ना एक्सपीरियंस, ऐसे तो होगा नहीं कि एक दिन में हम भाई फुल उड़न छू हो जाएँ, जुनेजो बन जाएँ, तो नहीं होगा ना, जुनेजो भी तो कुछ टाइम बाद, इरफान जुनेजो बना ना, माज सफदर भी कुछ टाइम बाद बना ना, भी बन जाएंगे बनते बनते, हमजा अली दी यूट्यूबर दी
फेमस गाय, हम भी बन जाएंगे। ये सीन था भाई, ये बताना था आपको, स्कीम बता दी मैंने आपको कि 30 डे वाली, 30 डे चैलेंज ले लिया हमने ब्लॉगिंग का। तो यही होगा, जो भी मैं करूँगा दिन में वो आपके साथ शेयर कर दूँगा, देख लीजिएगा आप। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा, बाकी लाइक वगैरह कर दिएगा, जो भी होता है कर दिएगा, कमेंट। मेरा हाथ दुख गया बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, इतनी देर तो कभी आज तक नहीं की ब्लॉगिंग मैंने। चलो अभी अगर कुछ हुआ तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा, इसको क्रॉप करके अगला पार्ट आगे लगा दूँगा, नहीं तो यहीं से कंटिन्यू होते होते वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, अगर ये मुखड़ा आपने पहली दफ़ा देखा है तो नीचे आपके सब्सक्राइब लाल कलर से दिखा होगा, उसको दबा के ग्रे कर दिएगा, सही है भाई। और लाइक का कलर भी होगा ग्रे या वाइट होगा, उसको दबाएंगे ना तो ब्लू हो जाएगा, वो चमकता हुआ फुल शो वाला लगेगा, करके देखिएगा आप, करें देखा लगा ना अच्छा। ये करना था, लाइक करना था, और कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा वहाँ पे, कुछ भी आप लिख दें, हाँ 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 इमोजी डाल दें, कुछ भी लिख दें, और ताकि भाई की रीच बढ़ जाए थोड़ी सी, नए सब्सक्राइबर्स आ जाएं और हम भी कुछ यहाँ से अर्निंग कर लें। चलें भी मिलते हैं आपसे कुछ देर में, और अगर कुछ देर में मेरे पास कुछ ना हुआ करने का तो वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ, बाकी अल्लाह हाफिज़।